मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते। ट्रुथ मानव सच्चाई, सच्चाई में ईमानदारी भी है, वफादारी भी है। परमपिता परमात्मा जिसको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याणकारी है, सत्य है, कल्याणकारी है, पर ब्यूटीफुल है। कौन सी शक्ति, कौन सी सुंदरता उसमें है जो खींचती है? तो परमात्मा बाप कहते हैं अपने आप को पहचान। तो आत्मा असली ईश्वर की संतान है, ईश्वर सत्य है, तो मैं आत्मा भी सत्य, सच्चाई एकदम परमात्मा को भी खींचती है। सच्चाई हम आत्मा को परमात्मा की तरफ समीप ला करके सच्ची इतनी देती है, जो हम अंदर से अपने में जो जुड़ था वो तो ख़त्म हो जाता जा रहा है, पर हमारे सामने सच्चा के सामने झूठ काम नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम मेरे बच्चे, तुम सच्चे बच्चे हो। जो सच्चे होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, वो अडोल अचल होते हैं। दुनिया के तूफान आ जाए वो डगमग नहीं होते हैं। तो सच्चाई में प्रेम भी है, सच्चाई में शक्ति भी है, सच्चाई में दिल में इतना अंदर से अपने लिए फेथ है, भगवान के लिए फेथ है। और जिनसे व्यवहार रखते हैं ना, उनको भी ऐसा फेथ क्या चीज़ होता है वो अनुभव होता है। तो सच्चाई का जो अंदर से अनुभव है, अंदर आत्मा को सुख भी मिलेगा ना सच्चाई का, उसमें निष्कामी बन जाते हैं। सच्चाई में कोई भी कार्य करेंगे कामना से नहीं करेंगे, सच्ची भावना से करेंगे। जब सच्ची भावना से काम करते हैं तो परमात्मा भी हमारे अंदर भावना को देख, सच्ची भावना, बच्चे का कोई भी अंदर और मिक्सचर नहीं है, कोई तृष्णा, कोई आशा, कोई इच्छा नहीं है, परंतु परमात्मा आप जो कराओ सो हम करने लिए तैयार है। तो कर्म में भी सत्यता, संकल्प में भी सत्यता, व्यवहार में भी सत्यता, सच्चाई को डर नहीं होता है, न डरते हैं न किसको डराते हैं। सच्चाई के बल से खुद भी चलते हैं, अनेक आत्माओं को सच्चा का रास्ता दिखा करके पार ले जाते, सच्चे की नैया में बैठे हैं, उस पार जा रहे हैं। चिंतन करें, मैं आत्मा सत्य हूँ, ईश्वर मेरा पिता है, मेरी यही पहचान सत्य है, बाकी सब झूठी पहचान निकाल दें।